हेलो फ्रेंड्स, हम सभी को सिस्टम फॉर्मेट करने के लिए या सिस्टम बूट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक बूटेबल पेन ड्राइव, एक बूटेबल पेन ड्राइव विंडोज 7 32 बिट के लिए, एक बूटेबल पेन ड्राइव विंडोज 7 64 बिट के लिए, विंडो 8.1, विंडो 10 और Ubuntu या एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इतनी सारी पेन ड्राइव्स अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, क्यों ना इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक सिंगल पेन ड्राइव में मर्ज करके एक मल्टी बूट पेन ड्राइव बनाई जाए। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे। यूटिलिटी में चाहें तो आप मल्टीपल आईएसओ को सिंगल अटेम्प्ट में ऐड करवा सकते हैं, या आप बाद में भी इसमें वन बाय वन आईएसओ फाइल्स को इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं अपना फर्स्ट आईएसओ, यहाँ पर हम सिलेक्ट
make it bootable without formatting? Yes. और यहाँ पर ये फाइल एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि छोटी फाइल है इसलिए ये जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तब तक हम इसको करते हैं पॉज। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे सभी आईएसओ फाइल इसमें ऐड हो चुकी है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए ये लिखा है UEFI बूट सपोर्टेड, UEI बूट सपोर्टेड, UEFI बूट सपोर्टेड, और ये जो लास्ट इमेज है हमारी विंडो पी, इसमें UEI बूट नॉट सपोर्टेड। इसका मतलब जब हम अपने पेन ड्राइव को UEFI बूट ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको बूट करेंगे तब हमें ये वाली इमेज उसमें दिखाई नहीं देगी, पर अगर जब हम उसको लेगेसी बूट सपोर्ट पे बूट करवाएंगे तब ये इमेज हमें दिखाई देगी। इसका मतलब होगा कि जब हम लेगेसी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तभी हम इस इमेज को बूट करवा पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 5 ISO इसमें ऐड हो चुकी है। इसको करते हैं कंटिन्यू, नेक्स्ट एंड नो डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट, ओके। इसको करते हैं क्रॉस, और अभी से इमेज को चेक करने के लिए हम करवाते हैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट। एप्टल जाके हम अपने सिस्टम को यहाँ बूट करवाते हैं। सिस्टम को यहाँ पे बूट डिवाइस के ऑप्शंस मिलेंगे। बूट ऑप्शन से हम यहाँ पे पेन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। पेन ड्राइव से बूट करवाने पे हमें ये ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है विंडो डिस्ट्रीब्यूशंस, दूसरा है AVG रेस्क्यू CD है जो कि हमने एक वायरस स्कैन यूटिलिटी यहाँ पे इसमें ऐड करी है, और तीसरा है Ubuntu। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं विंडो डिस्ट्रीब्यूशंस को। विंडो डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए यहाँ पे विंडो 7 लाइव CD, विंडो 7 एंड विंडो 10 64-bit एंड विंडो 10 32-bit। सबसे पहले हम विंडो 7 लाइव CD को चेक करते हैं। तो ये देखिए विंडो 7 लाइव जो इमेज यहाँ पे बूट हो चुकी है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लाइव इमेज होती है उसको सिस्टम में इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये डायरेक्टली आपकी पेन ड्राइव से बूट करेगी और आपको एक सिस्टम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएगी। तो इसमें काफ़ी कुछ यूटिलिटी है जो कि हमारे सिस्टम को रेस्क्यू करने के लिए या क्रिटिकली क्रैश करने पर हम जो अपना डेटा है उसको रिकवर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारी, इसको हम यहाँ पर रिस्टार्ट करते हैं। पेन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, अगेन विंडो डिस्ट्रीब्यूशन में जाके हम यहाँ पे फिर अपने जो नेक्स्ट इमेज है उसको चेक करते हैं। अभी हम यहाँ पे विंडो 10 लेते हैं।
सो नेगेटिव पॉइंट्स ये लिनक्स के सिर्फ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन को ही सपोर्ट करता है, जैसे उबंटू या लिनक्स मिंट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से सेंड करते रहिए। थैंक यू।